नमस्कार, मायोपचार में आपका स्वागत है। मैं आकांक्षा मिश्रा और मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज के सेशन में हम ग्रीन टी के बारे में बात करेंगे। ग्रीन टी को लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे पास कि ग्रीन टी पीना हेल्दी होता है या नहीं होता है, कौन सी ग्रीन टी ली जाए, क्योंकि मार्केट में भी बहुत सारे फ्लेवर्स की ग्रीन टी मिलने लगी है। इसके साथ ही इसको पकाना कैसे है, क्या फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, कब पीना है कब नहीं पीना है, इसके साथ ही हम कौन से ड्रिंक से अपनी ग्रीन टी को रिप्लेस कर सकते हैं। तो आज के सेशन में मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी, जो भी ग्रीन टी से रिलेटेड ड्रिंक्स हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो इनको आप पूरी वीडियो देखिए और पूरी जानकारी प्राप्त करके अपनी डेली डाइट में ग्रीन टी को आसानी से शामिल करिए। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिएंट की, कि हमें ग्रीन टी क्यों पीना है, क्या फ़ायदे हैं इनके। तो न्यूट्रिएंट में आपको फ्लेवोनॉइड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स आप ग्रीन टी से मिल सकते हैं आपको। इनके अलावा पॉलीफेनॉल्स हैं, कैफीन रिच भी होता है ग्रीन टी। तो इन सारी चीज़ों का जो मिश्रण है ये आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ग्रीन टी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला तो हेल्थ बेनिफिट ये है कि इसमें कैफीन होता है, और कैफीन का क्या काम होता है, ब्रेन को अलर्ट रखना, जिससे कि हम अपने जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए सतर्क हो जाते हैं। उसके साथ ही साथ ये एक स्टिमुलेशन करने का भी काम करता है, जिससे कि हमारे जो ब्रेन है वो एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाता है, अच्छे से काम कर पाता है। तो यदि आप कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं जिसमें आपको बहुत फोकस की रिक्वायरमेंट है, तो यस, ग्रीन टी आपके लिए काफ़ी अच्छा ड्रिंक हो सकता है। अब जैसा कि आप अलर्ट फील करते हैं, आपको फोकस्ड फील होता है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, आपको प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो आप कोई भी ऐसा काम है जहाँ पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी उस हिसाब से नहीं हो पा रही है, तो एक ग्रीन टी का कप लेके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जनरली हम ग्रीन टी पीने के साथ ही जो देखते हैं कि हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है, शरीर की ऊर्जा खर्च करने की जो दर है, वो भी ग्रीन टी पीने वालों में ज़्यादा होती है। तो उसका क्या फ़ायदा होता है, उसका फायदा ये होता है कि आपको अपना वजन को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। वजन अगर आप कम करना चाहते हैं तो आपके लिए फायदेमंद पेय साबित हो सकता है। इसके साथ ही ये आपके शरीर में फैट लॉस में भी हेल्प करता है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट अगर आपका बढ़ेगा तो उससे आपका फैट लॉस में भी मदद मिलेगा। अगला जो ग्रीन टी का बेनिफिट है वो है आपका, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, ये आपको अलग अलग तरीके के कैंसर्स डेवलप नहीं होने देता शरीर में। बहुत सारी रिसर्च स्टडीज हैं हमारे पास जहाँ ये साबित होता है कि ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं। तो इनको भी इस वजह से भी आप अपने डाइट में, अपने पूरे दिन के आहार में 1 से 2 कप ग्रीन टी आराम से शामिल करके अपने आप को कैंसर से भी बचा सकते हैं। अगला जो बेनिफिट है वो है कि ग्रीन टी आपके मूड को एनहेंस करती है, मूड अच्छा करती है, साथ ही आपकी बॉडी को भी रिलैक्स करने में हेल्प करती है। तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, आपको अच्छा, आपको फ्रेश फील होगा, और उसके साथ ही साथ आपके स्लीप की भी क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो यदि आपको नींद नहीं आती है या आपकी बॉडी रेस्टलेस रहती है, तो वैसे भी सिचुएशन में आप ग्रीन टी को ऐड करके अपनी नींद को और अपनी बॉडी में फ्रेशनेस को बरकरार रख सकते हैं, अपनी नींद की स्थिति को सुधार सकते हैं। अगला जो बेनिफिट है वो ये है कि बहुत सारी स्टडीज़ के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ डिजीज़ हैं जिनसे लड़ने में, जिनको कंट्रोल करने में ग्रीन टी का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो कौन कौन से आपके डिजीज़ हैं, हार्ट डिजीज़ में ग्रीन टी बेनिफिशियल है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा डिरेंज्ड है, ज़्यादा हो गया है, या HDL लेवल कम हो गया है, ऐसी चीज़ों में भी ग्रीन टी फायदेमंद होता है। कुछ रिसर्च स्टडीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ को भी लेके हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ में भी ग्रीन टी बेनिफिशियल होता है। तो इन चीज़ों को भी कंट्रोल में करने के लिए आप इसे अपने डाइट में आराम से शामिल कर सकते हैं। इन सब के साथ ही, जैसा कि एंटीऑक्सीडेंट्स में बार बार कह रही हूँ कि ग्रीन टी में बहुत रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो है कि अगर आप ग्रीन टी का नियमित तौर पे सेवन कर रहे हैं तो आपके शरीर में जो एजिंग की प्रोसेस है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। तो इस वजह से भी ग्रीन टी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अब ये तो बात हो गई बेनिफिट्स की, अब इन्हें लेना कैसे है, कितनी बार लेना है, मैं उस विषय में बताऊंगी। हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि दिन में 5 कप 7 कप या उससे ज़्यादा भी ग्रीन टी का सेवन करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जैसे आप नॉर्मल अपनी चाय लेते हैं दिन में 1 से 2 बार, सेम वैसे ही दिन में 1 से 2 बार आपको अपनी चाय से इसको रिप्लेस करना है। क्यों करना है रिप्लेस, क्योंकि इसमें भी कैफीन होता है। यदि आप चाय भी ले रहे हैं, कॉफ़ी भी ले रहे हैं, ग्रीन टी भी ले रहे हैं, सारी चीज़ों का एक साथ साथ सेवन करें, तो हो सकता है कि आपके शरीर में कैफीन की मात्रा ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए आपको
या तो चाय या कॉफी या ग्रीन टी, तीनों में से किसी एक चीज का सेवन करना है। यदि आपको सब एंजॉय करना है तो आप एक एक कप करके अपने एक से तीन कप में आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसको लेना कब है, तो आपको कुछ समयों का ध्यान देना है कि इन समय पे आपको बिल्कुल भी ग्रीन टी का सेवन नहीं करना। जैसे कि आपको खाने से तुरंत पहले या तुरंत बाद में ग्रीन टी का सेवन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कैफीन आपके खाने में कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं, उनके एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने खाने स्पेशली जैसे आप ब्रेकफास्ट और लंच कर रहे हैं तो उसके बीच में, या लंच या डिनर कर रहे हैं तो उसके बीच में आप ग्रीन टी को ऐड कर सकते हैं। और क्या ध्यान रखना है, आपको खाली पेट ग्रीन टी पीने की आदत नहीं डालनी है, आपको इन बिटवीन मील्स में ही लेने हैं ग्रीन टी अपने। इन सब के साथ साथ सोने के टाइम पे आपको ग्रीन टी नहीं लेना है। आप अगर सोने से पहले ग्रीन टी लेना चाहते हैं तो उसके बाद 2 घंटे पहले लेके ग्रीन टी अपना काम खत्म कर लीजिए, लेकिन खाने से पहले नहीं, खाने के बाद नहीं, और सोने के टाइम नहीं, और इन सब के साथ साथ खाली पेट नहीं। तो इनको आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं टाइप की, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे मार्केट में कि बड़े सारे टाइप के ग्रीन टी आने शुरू हो गए हैं। अदर कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे थोड़ी डिफरेंट टाइप की ग्रीन टी होती है, बट इंडिया की हम बात करेंगे तो इंडिया में मेनली हमें प्लेन ग्रीन टी, जिंजर ग्रीन टी, जैस्मिन ग्रीन टी, कैमोमाइल ग्रीन टी, यही सारे अवेलेबल होते हैं। तो इनके मैं अलग अलग बेनिफिट्स बताऊंगी, उस हिसाब से अपने ग्रीन टी को चूज कर सकते हैं। जो नॉर्मल ग्रीन टी होती है, प्लेन ग्रीन टी होती है, उनमें जो मैंने आपको अदर बेनिफिट्स बताए कि एंटीऑक्सिडेंट्स रिच होती है, बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में मदद करती है, और इसके साथ ही साथ आपका मूड अच्छा करती है, ये सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। उसके बाद जो आता है वो आता है आपका जैस्मिन ग्रीन टी। जैस्मिन ग्रीन टी का क्या काम होता है, ये बाकी जो बेनिफिट्स बताए वो तो हैं ही, इनके साथ ही एक अच्छा सा अरोमा होता है इसमें, तो ये आपके मूड को काफ़ी अच्छा रखता है। इन सब के साथ ही आपके स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल में करने में ज़्यादा मदद करता है, और इन सब के साथ ही अगर आपके शरीर में वाटर रिटेंशन है या पानी का संग्रहण ज़्यादा हो गया जिसको हम कहते हैं, तो भी आप ग्रीन टी, इस जैस्मिन ग्रीन टी का आराम से सेवन कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला है वो है कैमोमाइल टी। तो कैमोमाइल ग्रीन टी को हम जनरली बेटर स्लीप के लिए जानते हैं, जिन लोगों को नींद नहीं आती है, इंसोम्निया है या रिस्टलेस रहते हैं, तो वो लोग कैमोमाइल ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं। अगर सोने से 2 घंटे पहले लेना चाहे तो आराम से ले सकते हैं। और इन सब के साथ ही साथ कैमोमाइल ग्रीन टी आपके स्ट्रेस लेवल को भी कंट्रोल में करती है, तो इसका, इस ग्रीन टी का ये काम है। फिर जो सबसे कॉमन आता है वो आता है जिंजर लेमन ग्रीन टी। तो जिंजर लेमन ग्रीन टी जो होती है वो आपके पाचन क्रिया को ठीक रखने में मदद करती है, आपके दांत को ठीक रखने में मदद करती है, आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है, तो उन ग्रीन टी का ये काम है। अब मान लीजिए कि आपको इनमें से कुछ भी पसंद नहीं है, आपको जैस्मिन भी पसंद नहीं आता, आपको कैमोमाइल भी पसंद नहीं आता, वैसे केस में आप क्या कर सकते हैं, आप लूज पत्ती वाला ग्रीन टी ले आइए और अपना खुद का फ्लेवर डेवलप कर लीजिए, जो कि मैं अपना घर में यूजली करती हूँ। कि आप, अब आपको तरीका बताऊंगी कि कैसे ग्रीन टी बनाना है। तो आपको क्या करना है, आपको पानी चढ़ाना है बर्तन में, और जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो, लौंग पसंद हो, अदरक, तुलसी, काली मिर्च और हल्दी फ्लेवर, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो डाल के उस पानी को अच्छे से उबाल लीजिए। फिर 1 चम्मच आपका ग्रीन टी का आप उसको गैस बंद करके उसमें गर्म पानी में डालना है, और उस गर्म पानी के बर्तन को ढक देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आपको इंतजार करना है। 1 मिनट तक कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, एंड 1 मिनट के बाद आप उस ग्रीन टी को छान लीजिए और फिर उसका आराम से सेवन कर सकते हैं। अगर आप बिना चीनी, बिना शहद के लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप अपनी कैलरी को रिडक्शन कर पाएंगे, कम कर पाएंगे, लेकिन अगर आपका टेस्ट डेवलप नहीं है तो आप आधा चम्मच चीनी, आधा चम्मच शहद उसमें ऐड कर सकते हैं। अब एक चीज और के ध्यान में रखनी है आपको, कि आपको रखी हुई ग्रीन टी नहीं पीनी है। क्यों नहीं पीनी है, अब जनरली हम देखते हैं कि हमने सुबह ग्रीन टी बना ली और हम उसको शाम तक इस्तेमाल कर रहे हैं, जी बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उससे आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है, उस चीज़ से आपको नुकसान हो सकता है। तो आप फ्रेश ग्रीन टी बनाइए और उसको पीजिए। आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा शेयर की गई सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, और जो भी आप गलत चीज़ें कर रहे थे उनमें आप इम्प्रूवमेंट आएगी। जिस भी हेल्थ बेनिफिट से आप ग्रीन टी का सेवन कर रहे हैं उनको आप अचीव कर पाएंगे। यदि आपके पास कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि ऐसा कोई टॉपिक है जिन पर आप चाहते हो वीडियोज़ देखना, जिसके लिए आप चाहते हो इन्फॉर्मेशन लेना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।